हेलो बच्चों, बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों आज हम हिंदी में क्या सीखेंगे? अंकों को लिखना सीखेंगे, मतलब नंबर्स लिखना सीखेंगे। इंग्लिश में जैसे आप लिखते हो नंबर, नंबर नेम्स, है ना, तो आज हम वो हिंदी में सीखेंगे इसको किस तरह से लिखा जाता है, इनके शब्द कैसे होते हैं और इनके अंक किस तरह से लिखते हैं। तो देखिए बोर्ड पर टीचर ने अंग्रेजी में भी लिखा है, मतलब इंग्लिश में भी लिखा है और उसी को हिंदी में भी बताया गया है। तो एक बार हम देख लेते हैं किस तरह से इसको लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास है एक, ठीक है, हिंदी में हम उसको बोलेंगे वन और इसके इंग्लिश में उसको बोलेंगे इंग्लिश में उसको बोलेंगे वन और नंबर इस तरह से लिखते हैं, हिंदी में लिखेंगे एक, इस तरह से लिखेंगे गोला बना के, ऐसे गोला बना के उसको लंबी लाइन खींच के फिर ऐसे लिखेंगे, ये बन जाएगा एक, ठीक है। और इसके शब्द इस तरह से लिखेंगे एक, टू, टी डब्ल्यू ओ टू, टी डब्ल्यू ओ टू, हिंदी में लिखेंगे इस तरह से दो, द के साथ ओ की मात्रा दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थ्री, टी एच आर ई थ्री, हिंदी में कैसे बनेगा, थ्री बना के उसकी लंबी सी पूंछ निकालेंगे, देखिए तीन बनाएंगे थ्री बना के फिर लंबी सी पूंछ नीचे खींचेंगे, ठीक है। और त के साथ बड़ी की मात्रा और न, तीन तीन। आगे बढ़ते हैं फोर, F O U R फोर, हिंदी में चार कैसे लिखेंगे, हम इसको क्या करेंगे ऐसे करके एट बनाएंगे और बीच में जगह छोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे नहीं, ठीक है। और ये बन जाएगा हमारा चार, चार के साथ आपकी मात्रा चार। आगे बढ़ते हैं फाइव, इंग्लिश में हम फाइव बोलेंगे F I V E फाइव, हिंदी में कैसे लिखेंगे, प लिखने के बाद उसकी पूंछ निकाले, प लिखिए उसके साथ उसकी पूंछ निकाले, पांच हिंदी में बोलेंगे पांच, ऊपर चंद्रबिंदु, है ना, तो चांद बनाएंगे ऊपर एक बिंदी डालेंगे चंद्रबिंदु पांच। नीचे आ जाएंगे, इसके नीचे होगा पांच के नीचे है सिक्स, मतलब छह, इंग्लिश में बोलेंगे सिक्स, एस आई एस सिक्स, हिंदी में बोलेंगे छ, कैसे लिखेंगे इसको, उल्टा थ्री लिखेंगे हम और उसकी पूंछ नीचे खींचेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सिक्स छ लिखेंगे छ छ। आगे बढ़ते हुए हमारे पास है सेवन, S E V E N सेवन, हिंदी में कैसे लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे छोटी उ की मात्रा जैसे लगा रहे हैं हम, है कि नहीं, कैसे लगा रहे हैं, ऐसे लगा देते हैं छोटी उ की मात्रा, बहुत आसान है, हम इस तरह से इसको सेवन बनाएंगे और लिखेंगे सर के साथ आपकी मात्रा सात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एट, इंग्लिश में एट, E I G H T एट, हिंदी में कैसे लिखेंगे एट, हम च बनाते हैं, च हमें बनाना सीखा है ऐसे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाली रेखा नहीं लगाएंगे, आधा च लिखकर छोड़ देंगे, तो बन गया आठ, और के साथ आधी मात्रा आठ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इंग्लिश में नाइन, N I N E नाइन, हिंदी में बनाएंगे नौ, इसको कैसे बनाएंगे, अब हम क्या बनाएंगे, उनकी मात्रा को उल्टा बनाएंगे, उल्टा बनाने के बाद फिर नीचे की लाइन खींचेंगे, बन गया नौ, ठीक है। ऐसे उल्टा लिखे उनकी मात्रा और नौ बन गया। आपको ई लिखना आता है, ई लिखेंगे, ई लिखेंगे सबको ई लिखना आता, फिर ऐसे लाइन खींचेंगे नीचे नौ, ठीक है। और नंबर साथ
प्रैक्टिस कीजिए। तो घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।